अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जी मुकद्दस कॉलेज में है और मैं बस अभी बच्चों को शावर दिया है, साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ, साथ साथ में घर का भी देख रही हूँ। अब वो बस कॉलेज से आएगी, चिकन व्हाइट सॉस पास्ता हम बनाने जा रहे हैं, तो देखते हैं आप मतलब शूट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि काफी देर हो रही है। अब वो आएगी कॉलेज से, कुछ खाई पिएगी और उसके बाद हम बस शूटिंग वगैरह करेंगे। काफी चीजें तो मैंने तैयार कर ली हैं, छोटे छोटे मैंने क्लिप लिए हुए हैं, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि खुद ही क्लिप भी ले रही हूँ, खुद ही बना भी रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, हेल्पर साथ में लगी हुई है, वो सफाई वगैरह कर रही है। तो बस वो आपको पता है फिर काफी ज्यादा काम हो जाता है। वैसे तो शाम के टाइम पे मैं खाना रखती हूँ, तो उस टाइम ये होता है कि मुकद्दस घर पे होती है, या कोई संडे का या इस तरह का रख लेते हैं ना कि मुकद्दस घर पे होती है, चले वो बाकी के देख लेती है, घर को देख लेती है, ऑनलाइन ड्राइव को देख लेती है, तो मेरे लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाती है, शूटिंग करवा देती है साथ में। लेकिन आज सारा कुछ ही मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। तो चलें आप ऐसे करते हैं, आज ही मुकद्दस की कॉलेज फेलोज आ रही हैं, कि ये जी कॉन्वेंट में भी इकट्ठी थी और अब कॉलेज में भी इकट्ठी हैं, तो काफी अच्छे से इसका दिल था कि मैं उनको बुलाऊं। तो मैंने कहा मेरे बच्चे घर पे बुला लो, कोई मसला नहीं, आराम से बैठना, बातें करना। आपको पता है कि होटल वगैरह में जरा अच्छा नहीं लगता है, बच्चियां एक तो तैयार होकर चली जाएं, फिर वहां पे ना बंदा सही से खा सकता है, ना बैठ सकता है, ना उठ सकता है, और भी लोग आ रहे होते हैं, वेटर शेटर फेर रहे होते हैं, मुझे तो वो चीज अच्छी नहीं लगती है। तो बस इसीलिए मैंने मुकद्दस को कहा है आप घर पे बुलाओ, मैं जो बनाना है मुझे बता दो, उसे उनके हिसाब का मैं बना दूंगी, तो बस घर में बैठ के आराम से अपना एंजॉय करना, जो भी बातें शाते करनी है। तो अब ऐसे करूंगी, जो जो छोटे छोटे क्लिप शूट करती जाऊंगी, आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना। ये जी है बिरयानी का मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है, और चिकन स्पैगेटी मैंने बना ली थी, ये यहाँ पे मैंने इसको दम लगाया हुआ था, और ये देखिए माशाल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की स्पाइसी बनी थी। और ये चिकन कढ़ाई के लिए रखा हुआ है, चावल भी पको दिए हैं मैंने, और साथ ही में जी ये कचूमर सैलेड मार रहा है, काफ़ी चीज़ें मैंने रेडी कर ली थी। और ये जी है चिकन कढ़ाई की फाइनल लुक, आप चेक करें। बस अब इसमें मैंने ग्रीन चिली डालनी थी, पानी भी रख दिया है बॉयल होने के लिए, क्योंकि राइस बॉयल करने थे। और ये जी बिरयानी का मसाला भी रेडी हो चुका है, ये देखें बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और मज़े की बनी थी बिरयानी। और ये जी है बिरयानी की फाइनल, क्योंकि मैंने दम लगा लिया था, अच्छा खुद ही कैमरा भी पकड़ा हुआ था, साथ में शूट भी कर रही थी, और साथ ही में जी मतलब के बाकी भी देख रही थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? तो जी आज मैंने आपके साथ शेयर करना है चिल्टन प्योर का इंतहाई ज़बरदस्त सा न्यूली लॉन्च उनका ग्लोइंग नेचुरल हर्बल सोप। ठीक है, इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि पहली बात तो ये कि इन्होंने ये बिल्कुल नया लॉन्च किया है, एक ये पहले इन्होंने कोई इस तरह का सोप मैंने नहीं था देखा लॉन्च के, लिक्विड सोप थे लेकिन इस तरह का सोप लॉन्च नहीं किया था। तीसरी बात ये कि ये क्लेम करता है कि एक तो ऑयल फ्री है, दूसरा एंटी एक्नी एंटी पिगमेंटेशन तो समझ आती है, इसके पीछे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये मेकअप को भी रिमूव करता है, मतलब आपको इसके साथ किसी क्लिंजर या फेस वॉश की अपेरेंटली जरूरत नहीं है। ये एक बहुत नई बात है मेरे लिए, मैंने कभी ऐसा सोप इस तरह नहीं सोचा कि ऐसा कोई सोप भी होता है, लेकिन जो कि इन्होंने लिखा है तो अब हम इसे टेस्ट जरूर करेंगे। एक रैप में से आता है ये, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मोस्टली सोप्स में इस तरह के रैप्स नहीं होते हैं, प्लास्टिक रैप्स। ये क्यूट है। अभी मैं इसके साथ फेस वॉश करती हूँ, अब मैं इसके साथ फेस वॉश करूंगी, मैं आपको फेस दिखाऊंगी क्या इसने वाकई में मेरा मेकअप रिमूव किया है, क्योंकि मैंने आप देख सकते हैं हल्का हल्का किया है, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ। फ्रेग्रेंस इसकी अच्छी खासी है, माइल्ड है, बहुत करते हैं कि कुछ अच्छा हमारे साथ। मैं इससे यूज करके आपको दिखा दूँ, तो जी अब हम इसे एक आम साबुन की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ओह झाग, आई लाइक इट, अच्छी खासी झाग है इसमें, और छाक जब बन जाए तो हम इसे नीचे रख दें, मुँह आप गीला कर लें, मुँह गीला हो जाए इसे छाक ही ना मैं बनती रहूँ ड्राई। अब ये देखिए अच्छा खासा पानी है बह रहा है, और देख लें आपको यहाँ पे मेरा एक पिंपल है, ये आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि फाउंडेशन अब मैं आपके सामने इसे कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप फिर मुझे कहें कि आपने किसी रिमूवर से, किसी फेस वॉश से मुँह धोया, अब आप कह रहे हैं कि साबुन से फाउंडेशन उतरते हैं, क्योंकि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा, मुझे खुद भी नहीं था पता कि साबुन से फाउंडेशन उतर जाती है। ये झाग भी हल्की सी क्रीम पिंक सी नजर आ रही है आपको मेरी फाउंडेशन उतरी की वजह से। ठीक है, और अब मैं प्रॉपरली अपना ऐसे ही इसको धोऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
मेरा दाना नजर आ रहा होगा आपको, जिन लोगों ने आप कहना है कि स्किन कितनी क्लियर हुई है जी, स्किन पहली बार आप यकीन, आपने खुद देखा है किससे फाउंडेशन उतरी है। मैंने कभी भी सोचा देखा नहीं था कि साबुन से फाउंडेशन उतर सकती है, वाटर प्रूफ फाउंडेशन। पहली बार मेरी फाउंडेशन वाटर प्रूफ होती है और अच्छी खासी सेट हुई भी होती है, उसके नीचे जो जहान के सेटिंग स्प्रेज लगे हुए होते हैं उसके ऊपर, और अगर उसने ये उतार दिया ना कंसीलर और हर चीज, फिर कमाल हो गया। अब इसके बाद क्योंकि फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, इसके बाद हम यूज करेंगे कोई अपना अच्छा सा मॉइस्चराइजर, जो भी आपको सूट करता है आप यूज कर सकते हैं। मुझे इनका विटामिन सी क्रीम बॉडी और फेस के लिए जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, विटामिन सी लोशन सॉरी, और प्राइमर इनका, और फिर हम करेंगे अपना मेकअप क्योंकि आ जाना है मेरी दोस्तों ने, तो इतना सब प्रेप जरूरी है, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। एक पैन में जी मैंने पानी डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लिया है, और 4 से 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल की शामिल की हैं, 2 टीस्पून इसमें जा रही हैं नमक की, और इसको हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है। और मैं यहाँ पे ये वाला पास्ता यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी किस्म का कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं, अच्छा स्पैगेटी के साथ भी यही रेसिपी आप बना सकते हैं, इंशाल्लाह किसी दिन बना के आपके साथ शेयर कर दूँगी। और मैं ये जी पूरा पैकेट बनाने जा रही हूँ फुल फ्लेम के ऊपर, हमने इसको तकरीबन 90% गला लेना है, और हल्के हाथ से सात सात स्पून हिलाते रहे ताकि नीचे भी ना चिपके और आपस में भी ना ये चिपके, ठीक है। और बस इसको गला लेने के बाद हमने ठंडे पानी में से इसको निकाल के तो छलनी में डाल लेना है, ताकि ना ये एक तो आपस में जुड़े छुड़े भी नहीं और ड्राई भी अच्छे से हो जाए। यहाँ पे जी मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं, जो स्टेप बाय स्टेप यूज़ करती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी और साथ में डिटेल भी बताती जाऊँगी। यहाँ पे जी खाली पैन मैंने ले लिया है, इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल के शामिल करने हैं, और यहाँ पर ये जी मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ चिल्टन प्योर का कुकिंग ऑयल, बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है, बहुत सारे ऑयल को मिक्स करके बनाया गया है, और यकीन करें हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे जी मैंने 2 टीस्पून शामिल किए हैं गार्लिक के, गार्लिक ये चॉप हुआ हुआ है मेरे पास, और इसको मैंने अच्छे से ना तकरीबन 70% फ्राई कर लेना है, और बस जले नहीं आपने गोल्डन इसको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जी इसके अंदर मैंने शामिल करना है चिकन, अच्छा चिकन को अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था और छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले बस हम इसको एक दफ़ा फ्राई कर लेंगे ताकि ना जो अजीब सी स्मेल होती है ना गार्लिक की वो ख़त्म हो जाए। ये जिस तरह से हमने कट कर लिया है, अब इसमें मैं चिकन शामिल कर रही हूँ, और हमने इसको तकरीबन आप कर देना 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना कि जो चिकन के अंदर से अपना पानी निकलता है ना बस वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह शामिल करेंगे। सबसे पहले तो जी इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ नमक, और ये है 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च जा रही है 1/2 टेबल स्पून, और सफ़ेद मिर्च भी जा रही है 1/2 टेबल स्पून, ठीक है। इसको हमने अच्छे से किया है मिक्स, मिक्स करने के बाद अब जी इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। इसके साथ एक तो इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और एक इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। और ऐसे जैसे आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं ना बिल्कुल वैसी ना इसकी ना लुक आ रही होती है। तो अब इसको अच्छे से हमने मिक्स करके तकरीबन मैंने इसमें 1 कप पानी का शामिल करके तो मैंने अच्छे से ना इसको गलने के लिए रख देना है, ताकि ना चिकन में कोई कसर ना रह जाए, क्योंकि ना वो चिकन बीच में हार्ड आता है ना जब, तो वो फिर ना पास्ते का ना मतलब वो मज़ा नहीं रहता है। साथ साथ में हमने चमचा भी हिलाते रहना है, ढक्कन दे के हमने अच्छे से इसको गला लेना है। और अब जी इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ वेजिटेबल, अच्छा वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, 1 मीडियम गाजर है, दरमियानी सी शिमला मिर्च है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून कॉर्न के हैं, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल के तो इसको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ना हल्के हाथ से ऐसे चमचा हिला हिला के तो हमने ना इसको तकरीबन आप कर लें कि फ्राई कर लेना है। और अच्छा सारे मसाले भी इसके साथ लग जाएंगे, हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाएगी हमारी वेजिटेबल। और मैं ना इसको अलग से इस तरह से प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि जी इसी को वॉश करके इसी में मैंने बनानी है वाइट सॉस। और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ले लिए हैं बटर के, और इसको हमने अच्छे से कर लेना है मेल्ट। और ये जी नूरपुर का है बटर, आप अपने घर का भी ले सकते हैं, कोई और ब्रांड आपको पसंद है तो उसका भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ये तकरीबन 5 टीस्पून है मैदा, और इसको मैंने अभी छाना नहीं था क्योंकि असल में टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, तो ये मैंने कहा इधर ही छलनी में डाल के साथ ही में छान भी लेंगे, ये देखने इस तरह सी गुठलियाँ होती हैं तो ये आपने लाजमी ना छान के तो डालना है, तो वो फिर ना गुठलियाँ सी नहीं बनती हैं आपका जब आप सॉस बना रहे होते हैं
तो बड़ी अच्छी सी सॉस बन जाती है। ये देखिएगा, इसमें इसके भुनने की निशानी ये होती है कि हल्के हल्के से ना ये जो इकट्ठा हुआ है ना मैदा, इसमें बबल से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपका मैदा जो है वो बहुत अच्छे से भुन जाएगा। ठीक हो गया, हमने इसको कलर नहीं देना है, बस इतना है कि बस ये ना भून जाए। ये देख लें जिस तरह से फैल गया है और ये अच्छे से भून चुका है। अब तकरीबन इसके अंदर मैंने 3 गिलास दूध के शामिल कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा पैकेट है पास्ते का और अच्छी सी सॉस भी बीच में होनी चाहिए। आपने लाजमी 3 गिलास ही दूध के शामिल करने हैं और इसको अच्छे से इस तरह से विक्स की मदद से हमने फेंट लेना है, और ताकि ना कोई गुठली वगैरह मतलब के मैदे की ना बने। और ये देखें हमारी बड़ी अच्छी सॉस तैयार हो चुकी है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च की शामिल की है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून इसमें जा रही है काली मिर्च की, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अच्छा, मुझे ना क्लिप लेना याद नहीं था रहा कि मैंने इसमें ना तकरीबन आप कर लें कि 1/2 टीस्पून ही नमक की भी शामिल की थी, और इसको जी मैंने बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद जो मैंने वेजिटेबल फ्राई की थी ना और चिकन जो हमारा हमने प्लेट में निकाला था वो हमने इसके अंदर डाल देना है, और चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, और अच्छे से इक्वल आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। और अब जी इसके अंदर मैंने चीज़ शामिल करनी है। अच्छा, चीज़ यहाँ पे मैंने 2 रखी हैं, ये जी है मोज़रेला चीज़, और इसको मैंने ये पूरा बार था और मैंने चॉपर के अंदर इसको कद्दूकश कर लिया। हाथों पे भी आप इसको श्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये है जी चेडर चीज़, ठीक है, चेडर चीज़ ज़रा आपको पता थोड़ी सी इसी तरह की होती है, और क्योंकि किचन में थोड़ी सी गर्मी भी बनी हुई थी, चीज़ें भी सारी निकाल के फिर आपको दिखानी भी होती हैं, रखनी भी होती हैं, तो फिर ज़रा वो चीज़ नहीं रहती है। और बस ये चम्मच के साथ अच्छे से इसको मैंने कर लिया है मिक्स, और अब जी इसके अंदर मैंने शामिल कर देना है पास्ता। पास्ता को आपने अच्छे से पानी से निकाल के, और कोशिश किया करें कि खुले पानी में से निकाला करें, ताकि ना आपका पास्ता जुड़े छुड़े नहीं और मतलब के ख़राब ना। ये देख लें कितना अच्छा माशाल्लाह से पास्ता हमारा बॉयल हुआ था, और आपको मैं इसकी फाइनल लुक भी अभी दिखाती हूँ कि ये माशाल्लाह से तैयार होने के बाद भी कितना माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का बनता है। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा, हार्डली 2 से 3 मिनट के लिए ना सिर्फ हमने इसको बीच में अच्छे से मिक्स करना है कि हल्का सा इसको सेक भी लग जाए, हमारा पास्ता भी गर्म हो जाए। और ये देखें जी, हमारा चिकन वाइट सॉस पास्ता तैयार है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का बना था। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये जी आमना की, कल मैंने जैसे कि आपको दिखाया था कि ये मैं आमना का ड्रेस लेकर आई थी, ये देखें साथ में मैंने ब्लैक इसकी टाइट इसको पहनाई है, और आमना कितना सो लग रहा है। आमना सो लग रही हो? आमना सो लग रही है? सो लग रही है, बहुत सो लग रही है, मामा की जान लग रही है। काफी अरसा हो गया इसका मैंने ब्लैक नहीं लिया, छोटी थी तो लेती थी, अब मैंने बड़े अरसे बाद इसका ब्लैक लिया। इसके पापा को नहीं था ये पसंद आ रहा, लेकिन मैंने कहा था नहीं मैंने लेना। और ये मेरी निक्की जो चूचड़ी है ना, इसने भी ब्लैक पहना हुआ है, ये देखें इब्राहिम इधर देखो, माँ सिक्की, माँ सिक्की। अच्छा जी, हमने टेबल पे लगा दिए हैं बर्तन, और जब मुकद्दस की आएंगी फ्रेंड तो फिर हम जी खाना वगैरह रखेंगे। मुकद्दस भी आ गई है यहाँ पे, ये जी मुकद्दस भी रेडी हो चुकी है, ये जी मुकद्दस भी रेडी हो चुकी है हेयर सारी हेयर स्प्रे के साथ, क्योंकि मेरे बाल फिर से फटना शुरू हो गया, पानी हमारा फिर खराब होना शुरू हो गया इधर का ना, इसलिए से आए थे मेरे बाल माशाल्लाह से फटे होते थे, हम यहाँ पे आए, यहाँ का पानी इतना साफ था, मेरे बाल बिल्कुल सीधे हो गए, अब माशाल्लाह यहाँ के पानी को रंग लग गया तो मेरे बाल फिर फटना। 2-3 साल में जी यहाँ का पानी खराब हो गया, और यहाँ पे भी सारी सफाई वगैरह हो चुकी है, और बस जी आप गेस्ट का ही वेट कर रहे हैं। कदर वो मैंने आपको कहा था सोफा कम बैठ सीधा करो इधर हो, ये जी मैंने कहा था पहले बच्चे बाहर खाना वगैरह खा लेंगे, मेरा वो दुपट्टा रखा हुआ है, मैंने अभी लेना है, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, कुकिंग कर रही थी, ये इसको सीधा करके ना फिर बैठने के लिए जगह बनाओ, पिलो उठा के ना अंदर का अलमारी में रख दो। सैलेड में जी मैं थोड़ी सी काली मिर्च और 2 चुटकी तकरीबन नमक की, और साथ ही में तकरीबन आप कर लें कि 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल चिल्टन प्योर का जो मैंने आपको अभी दिखाया था, और साथ ही में 2 तकरीबन टेबल स्पून ना सिरका, ये शामिल करके तकरीबन इसकी ये ड्रेसिंग बन जाएगी ये कचूमर सैलेड की, तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी, बहुत ज़्यादा ये मज़े का बन जाता है। अच्छा, ये ना वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और वेजिटेबल भी मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें शामिल की थी, अगर आप
कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह किसी वीडियो में। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़े का बनता है, ठीक है। पुलाव के साथ आप बनाएं, बिरयानी के साथ बनाएं, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। और ये जी इस तरह से मैं प्लेट में निकालूंगी। और ये जी फ्रूट सैलेड आप कह लें या रशियन सैलेड कह लें, ये इस तरह से मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था। बस अच्छे से इसकी क्रीम बीच में मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ना आपको पता है क्रीम ऐसे नीचे बैठ जाती है और फिर इसकी लुक अच्छी नहीं आती है, इसलिए मैंने दूसरे बाउल में डाल के रखा था। मैंने कहा फिर जब हमने सर्व करना होगा तो फिर मैं ना इस तरह से डालूंगी। ये जी इस तरह की हल्की सी इसकी करूंगी गार्निश। आपके पास पाइनएप्पल है तो उसके साथ भी आप गार्निश कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी। और ये जी हमारा वाइट सॉस पास्ता है, अच्छे से ये गर्म गर्म था, मैंने कहा चलें बाउल में निकाल लेते हैं। और क्योंकि ना फ्रेंड मुकद्दस की आ गई थी, मैंने कहा चलें मैं और हेल्पर को मैंने कहा था कि हम मिलके खाना लगा लेते हैं, और मुकद्दस चलें उनके पास बैठी है। बिरयानी भी हमने डिश आउट कर ली है, और इसके ऊपर जो ब्राउन की हुई प्याज थी ना, जो मैंने इसका भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, तो ये मैंने ऊपर से इसकी गार्निश कर दी है बस। और जी माशाल्लाह मुकद्दस की फ्रेंड भी आ गई थी, तीन ये फ्रेंड आई थी मुकद्दस की, और यकीन करें इनकी बातें आते ही शुरू हो गई थी। और मैं कहती थी कि मुकद्दस ही बातें करती है, और इब्राहिम इतना ज़्यादा खुश था कि भाई हमारे घर में कोई आया हुआ है। और मुकद्दस की दो फ्रेंड ही थी, एक के पापा मतलब घर पर नहीं थे, मतलब वो गाँव गए हुए थे, और दूसरे जो फ्रेंड थी उनके घर गेस्ट आ गए थे, तो जिसकी वजह से वो नहीं आई हैं, ठीक है। और ये जी हमने खाना भी लगा दिया था टेबल पर, ठीक है। थोड़ी सी खाने की पता नहीं क्यों नहीं, ये देखें सैलेड की भी कैसे लुक आ रही है, अजीब सी यहाँ पे लाइट की कोई इशू हुआ हुआ था तो, लेकिन खाना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था। और मैंने कहा चलें फिर आप बैठ के ना खाना खाते हैं। मीठे में जी मैंने कुछ नहीं था बनाया, क्योंकि मुकद्दस ने कहा था कि सबको सकाफत के कप केक और डोनट वगैरह ही पसंद हैं, और मुकद्दस की फ्रेंड ये लाई थी चॉकलेट केक, तो वही मैंने रख दिया था। और मुकद्दस यहाँ पे सबको छेड़ी जा रही थी कि सब ने मास्क पहने हुए थे और आप खा नहीं सकते, और मैं यहाँ पे खा रही हूँ, इसकी शरारतें यहाँ पे चेक करें आप। मुकद्दस की जी फ्रेंड आई थी, और माशाल्लाह मैंने इतने ज़्यादा क्लिप भी नहीं थे लिए, मैंने कहा आपको पता है कि पेरेंट्स की इजाज़त भी नहीं होती है, तो बस मुकद्दस बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्जॉय किया, और काफ़ी देर तक माशाल्लाह वो रही हैं, और बिल्कुल भी नहीं था लग रहा कि फर्स्ट टाइम आई हैं। माशाल्लाह अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे बस। और बस जी खाना शाना में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था काफ़ी ज़्यादा बच गया था, क्योंकि मुकद्दस की दो फ्रेंड नहीं थी आई। आज की वीडियो में जितने मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।